आकर परेशान उदास लाचार मजबूर रहेंगे तो फिर हजूरी में क्या फायदा। उसी हजूरी में आकर हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुलते हैं। आमीन। आइए एक मिनट के लिए अपने सर को झुकाते हैं। तमाम सर खुदावन की हजूरी में झुक जाए और एक मिनट के लिए सारे दुआ करें, अपने लबों को खोल कर दुआ करें। कोई लब खामोश ना हो, कोई भी चुप ना रहे, बल्कि अपना मुंह खोल कर बुलंद आवाज से, कम आवाज में नहीं बुलंद आवाज में, लिखे क्लीसिया बुलंद आवाज से दुआ कर रही थी। जब क्लीसिया बुलंद आवाज से दुआ करती है उसके लिए खुदा आसमान खोल देता है और वो कलाम नाजिल कर कर शिफा देता है, बरकत देता है, रिहाई देता है। दुआ करे, दुआ करे, दुआ की जरूरत है। दुआ से आपके बंधन टूट जाएंगे, रिहाई आ जाएगी, शादमानी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। आपके जो मजबूरी है, लाचारी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, बल्कि खुदा अपने कलाम से सब कुछ मुमकिन कर देगा। दुआ करे, दुआ करे, जैसे भी दुआ करनी आती है, प्लीज कहते तुझे दुआ करना नहीं आती, पर आप यीशु नाम से दुआ करते हैं, वो दुआ आसमान तक पहुंच जाती है। दुआ करे, जैसे भी दुआ करनी आती है, ये मत सोचिए मुझे दुआ करनी नहीं आती, ये मत कहिए कि मेरे दुआ के अल्फाज अच्छे नहीं है। प्लीज कहते कि तू दुआ नहीं कर सकता, पर कहिए मैं यीशु के नाम से गालिब आ गया हूँ। दुआ किया कर, दुआ आपको आजाद करेगी, दुआ आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देगी, दुआ आपको कुव्वत दे देगी, दुआ से आपका ईमान बढ़ जाएगा, दुआ से आपके जो मुश्किलात है वो मैदान हो जाएगी। आए जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम की नदी, अपने कलाम का रहमा, अपने कलाम की बारिश यीशु नाम से जारी कर दी है खुदावंद, और तूने इनकी मिन्नत सुन ली है खुदावंद। और यकीनन जब तू बोलता है खुदावंद तो अजीब और जलाली काम हो जाते हैं यीशु के नाम से खुदावंद। इनके दिलों की जमीन को यीशु नाम से तैयार कर खुदावंद, और जब कलाम का बीज बोया जाए खुदा तो भाई सब बरकत होकर इनकी जिंदगी में ठहर जाए खुदा। उन्हें चू ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमीन। सबको उठाएंगे, हालेलुया हालेलुया। आपके हुजूरी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली, उसकी आजादी के लिए जिसका जहाँ जोर या तेल मेरे नाम से जमा है, हम उसके नाम से जमा है जो कुदरत वाला नाम है, जो सब नामों से आला नाम है। आइए मैं सदैव नए अहदनामा में से रसूलों के कमाल और कमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत, नए अहदनामा में से ठीक है 10वां और उसकी 38वीं आयत। खुदा ने यीशु नासरी को रुलकुदस और कुदरत से किस तरह बसा किया, वो भलाई करता और को जो अब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता, यहाँ पहला जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदरत और कुदरत से किस तरह
मसा किया। खुदा के बेटे यीशु मसीह को मसा किया, मखसूस किया, किस काम के लिए किया। आज हम सीखेंगे दुनिया में हम खुदा ने हमें भेजा है किस मकसद के लिए, क्यों भेजा है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा दुनिया में, उसको मसा किया, उसको मखसूस किया। उसने करना क्या था, किस काम के लिए भेजा। लिखा है वो भलाई करता। क्या करता वो, क्या करता, भलाई करता। यानी खुदा के बेटे यीशु नासरी को इसलिए भेजा कि वो दुनिया में क्या करे, भलाई करे, ना के दुनिया में बुराई करे, ना के दुनिया को तकलीफ दे, ना के दुनिया जो है परेशानियों में रहे। लिखे वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता। बिना जो लोग अबलीस के हाथ से जुल्म उठा रहे हैं, जो लोग अबलीस के हाथों से पिस रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि यीशु नासरी आया है शिफा देने, बरकत देने, उठा खड़ा करने। लिखे वो भलाई करने आया और उसने हमें एक पैटर्न दिया है। उसने भलाई की है तो हमने भी क्या करनी है, दुनिया में क्या करनी है, भलाई करनी है। लिखे ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। यानी मिजाज से मुराद ये है कि जैसा किरदार, जैसा करैक्टर, हमारे रवैये में, हमारे मिजाज में यीशु मसीह नजर आना चाहिए। लोग चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, पर मसीह उनमें नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि मिजाज में यीशु मसीह नहीं है। भलाई करना जरूरी है। आज लोगों ने भलाई को रंग क्या दे दिया, जिंदों के साथ छोड़कर मुर्दों के साथ भलाई हो रही है। कोई कब्रा पक्की कराई जा रहा है। अच्छा, जब जिंदा बंदा होता है तो दुनिया में क्या असूल है, कवानीन है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अक्सर जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, मैं तो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मैं तो इनको देखना ही नहीं है। तो जो मर जाए पहला मैनू मुँह वहाओ, मैनू मुँह ना वहाया तो अजय मिट्टी ना पाया जे। जब जिंदा होता है तो कहते हैं मर जाए तो चंगा है, जो मर जाए तो आते ने मर गया मर गया, फिर उत्ते डिग डिग पेंदे ने। भाई आप उससे कोई फायदा नहीं, जो इस दुनिया से चला गया ना कबर पर गमले रखो कोई फायदा नहीं। जेड़े 25-30 हज़ार रुपये तुम वो पक्की कराते हो, कबर पक्की करवाने का भी हमारे में भी एक रिवाज चल गया, पक्की भी कराते ने ना जुते छपड़ा भी बनवाते ने उन्हें तोप ना लगे। ओहो हमारे लोग किस जहालत में जा रहे। लिखा मेरी कौम अदने मार्फत से हलाक हो रही। होशिया नबी फरमाते हैं मेरी कौम आप और मैं मसीह हैं। हमारा किरदार मिजाज कैसा होना चाहिए, मुर्दों के साथ नहीं बल्कि जिंदों के लिए कुछ करें। वो तो मट्टी में चले गए, जो दुनिया में है उनका ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें। एक छोटी सी कहानी आपको सुना। एक होटल वाला था, तो अक्सर दोपहर में होता क्या था कि एक बंदा वहां से फ्री खाना खाकर चला जाता था। वहां बहुत सारे लोग थे, वो करता क्या था, जब वहां रश होता था ना वो उनमें घुस के ना फटाफट खाना खाकर चला जाता था। अब उसके जो होटल का मालिक है किसी ने उसको कंप्लेन की कि ये बंदा आता है भाई यहाँ से फ्री खाना खाकर चला जाता है और तू इसको कुछ कहता भी नहीं।
उसने बोला चलो कोई बात, उसने इग्नोर कर दिया। दो चार दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ, वो बंदा छुप के जो वेखे ना उड़ रहा शो लगे उड़ अच्छे नाल ही वो बंदियां बेच ही वाड़ के अंदर जाके उन्हें खाना खा लिया। अच्छा हुआ क्या, फिर किसी और ने उसको कंप्लेन की कि ये बंदा आता है भाई यहाँ पर, ये खाना खा कर फ्री चला जाता है, हमारा तो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके मालिक के सिस्टर ने बोला कि सर इसका कुछ करें या हमें बोले इसको मना करें भाई ये खाना ना खाने। उस मालिक ने एक बात बोली, उसने बोला जब रश होने लगता है ना ये बंदा, मैं इसको नोट कर दूं, मुझे आज से नहीं बहुत सारे लोग बता रहे हैं इसके बारे में कि ये आता है फ्री खाकर चला जाता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है। जब हमारे होटल पर रश नहीं ना होता ये बंदा मैंने अक्सर नोट किया है सामने बैठकर दुआ करता है कि इस होटल पर रश हो जाए ताकि मैं भी खाना खा लूँ। तो ये बंदा मैंने नोट किया सामने बैठकर दुआ करता और रश होना शुरू हो जाता है, ये उसी रश में आकर खाना खाकर चला जाता है। तो उसको समझ में आया, अपने उसने बताया कि जो उसका नीचे वाला मुलाजिम था कि यानी जिसका रिस्क खुदा ने लिखा हुआ है उसको देगा, इसकी दुआओं के जरिए ये एक बंदे को मैं फ्री खिला दूं बाकी सबसे पैसे लेता हूं, उसकी वजह क्या है कि ये बंदे की दुआ है, ये अपने नसीब का खा रहा है या जैसे भी खा रहा है, इससे पैसे नहीं ले रहे पर इससे पैसे बहुत सारे आ रहे हैं। यानी भलाई करने से आपके लिए जो है बरकत के दरवाजे खुलते हैं। गांधे नो बरकत दे, बरकत दे, गोडे आना बरकत दे, मोटे आना बरकत दे, नौ बरकत लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। याकूब के खत में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता तो उसके लिए ये क्या है, गुनाह है। अगर हम दुनिया में भलाई नहीं कर रहे बुराई कर रहे हैं तो फिर हमारी जिंदगी खतरे में है, मौत के बाद कोई फायदा नहीं। अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं मसीह के साथ वहां हमेशा की जिंदगी में रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं दुनिया में करना, सिर्फ दूसरों के साथ क्या करनी है, भलाई करनी है। यीशु मसीह दुनिया में क्या कर रहे थे, भलाई कर रहे थे। उसने कहा भूखों को क्या खिलाओ, क्या खिलाओ, दिल के नाल देखो चीनी मंगे जब है ऐसी और खत्म हो गई, हूँ ही नमक रखे हूँ ही खत्म हो गई, दिल के सालन रखे निके मुंडे का जो हूं तक मैं ये छोटी छोटी बधाइयां आपने जिंदगी में करनी है। अगर आप भलाई नहीं करेंगे तो अक्सर दुनियादारी का एक ही डायलॉग है खाली हाथ आया तो खाली हाथ, खाली हाथ नहीं हम जाएंगे, हमारे हाथ भलाइयों से भरे होने चाहिए, नेकियों से भरे होने चाहिए। दुनिया में आपका किरदार याद आए कि ये बंदे की वजह से मेरी बेटी आज कॉलेज में है, ये बेटे की वजह से आज मेरा बेटा स्कूल चला गया, इसकी वजह से मेरा बेटा इतने अरसे से स्कूल की फीस नहीं दी इसने दी है, आज मेरा बेटे ने PhD कर ली है इसकी वजह से। खुदा चाहता है कि आप बड़े काम करो, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो देना सीख जाइए तो खुदा आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा। हम कहते हैं कुछ करिए भी ना, सूखी डबल रोटी खा लीजिए बगैर मक्खन को ऐसी लगनी, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं खुदा कैसे कुछ करेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ बहुत सारा पैसा हो दौलत हो फिर भी किसी के लिए कुछ करेंगे, बहुत कुछ हो मेरे पास मैं फिर ही किसी के लिए कुछ करूंगा। आप किसी को जॉब लगवा सकते हैं, किसी के पास पहनने के लिए नहीं, फिर देखो कोई भरा एक ही पैंट पाई जा रहे हैं चातन वज मैं दबा देना शायद देखो पैसे ना, बहुत सारी बहने हैं वो बेचारियाँ पार्लर जा दिया दिल कर एक ही सूट पाया ना पैसे हो,
कैसे ना हो कोई पता नहीं। वहाँ मुश्किल घर का काम चलता है, किराया देना पड़ता है, घर की ज़रूरतें हैं बहुत सारी हैं। हम ये सारी ज़रूरतें भी पूरी करें उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से निकालें, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक खादम ने बड़ी अच्छी अपनी गवाही सुनाई। उसने बोला एक दिन खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, उसने कहा फलाना फलाना बंदा है उसके पास तू चला जा। उसने बोला अच्छा। वो बंदे के पास गया, बंदा बड़ा गरीब था। उसने बोला मेरी एक रेपो है, एक वैल्यू है, ये काम मिडिल क्लास गरीब आदमी। खैर चला गया, खुदा ने उससे कलाम किया, खुदा ने कहा जो कुछ तेरे पास है इस बंदे को दे। उसने बोला अच्छा। उसके पास में वॉलेट में जो कुछ था उसने उस बंदे को दे दिया। खुदा ने कहा ये नहीं, ये तो इसको तूने देना ही देना है, इसको ले जा डॉलमैन मॉल। ले गया डॉलमैन मॉल। हाँ खुदा बता अभी क्या करना। तो बोला अच्छे अच्छे कपड़े इसको लेकर दे। उसने कपड़े लेकर दिए, घर आया। उसने बोला तू ऐसा कर जितने तेरे कपड़े हैं अब सारे एक बैग में डाल, एक ब्रीफकेस में डाल, ये सारे इसको दे। बोला बता मैं क्या करूँ, मैं सूट ले रहे, मैं शॉपिंग की थी, मैं इतनी मेहनत करा कमाया है, कीता वो कीता, हड्डियाँ धो गईयाँ, मार गए रोड़ गए। खुदा ने बोला तू दे दे, तू बैग तैयार कर, पूरा बैग इसके हाथ में थमा दे। बंदे ने बैग थमा दिया। खुदा ने कहा जो तूने बेल्ट पहने वो तो उसके पास है ही। अच्छा अब ये बेल्ट भी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा मैं बगैर बेल्ट के कैसे जाऊँ। दे दे भाई दे दे। जिंदगी में बात एक याद रखना, खुदा कह रहे हैं ना ये काम कर दें आप चुप करके कर लें, उसके पीछे बहुत बड़ा एक भेद छुपा हुआ है। उसने दे दिया। वो बंदा 3 महीने तक बगैर बेल्ट से जा रहा है ऑफिस, एक ही पैंट एक ही शर्ट। बोला खुदा ये क्या, मेरे पास तो जो कुछ था उसको दे दिया, मैं क्या करूं। उसने बोला ये तेरे को जितना कुछ किसने दिया है ये बना। बोला खुदा मैंने ऑफिस की ये की वो की। उसने बोला तूने अपनी मेहनत से नहीं किया, ये मैंने तुझे दिया है और तूने मेरे दिए में से दिया है, ये मैंने तुझे सिखाने के लिए बताया है कि तू ये मदद रहा कि मैंने किया है। आज दुनिया इतराती है कि मैंने किया, मुझसे हो सकता है किसी से होगा नहीं। गरूर घुमंड शेकी फखर ये इंसान इसी में जिंदगी गुजार रहा है। खुदा ने उसको 3-4 महीने उसको अच्छे तरीके से सबक सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो एक ब्रीफकेस था खुदा ने उसके घर पर 4 ब्रीफकेस के सूट भेज दिए। हालेलुया हालेलुया। आप किसी के लिए कुछ करेंगे खुदा आपके लिए 4 गुना करेगा, वो आपकी सोच से बढ़कर कर देगा। लिखे जो कोई भलाई करना जानता है अगर वो नहीं करता तो वो क्या करता है, गुनाह। आज से जिंदगी में ऐद रखें कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है, दुनिया में कुछ करके जाना है। आपने देखा क्रिसमस आता है एक सेंटा आंदा है, हुआ खड़का आंदा है 10 रुपए दबो। मैं अपने मिसिस को कह रहा था चंगाइना से आपा पा रहा है हुआ खड़का आगे 10 दबो, ये क्या चक्कर है, वो तो कहता है उल्टा हाथ से दो, ये मतलब ये ठीक नहीं है। माजरत के साथ बहुत सारे मनाते हैं, मतलब बुरी बात नहीं है, सेंटा बने नचे टपे, किसी से ले ना बल्कि किसी को दे। उसका जो किरदार बताया जाता है ये बताया जाता है वो गरीबों की मदद करता था, किसी को गिफ्ट देता था, किसी के पास कपड़े नहीं थे वो दे देता था, किसी को ये करता था, इतने सेंटा 2-4 रोटियाँ मार दे हो गया डंडियाँ फाड़ के, इधर हुआ खड़का इतने हुआ खड़का 10 दोगे तो जाएगा, लेकिन उन्हें जाना
ये कहाँ का सिस्टम है भाई? ये सिस्टम में खराबी है, ये हम ही लोगों ने ठीक करना है। खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें, खुशियां दें। हम किसी को आंसू ना दे बल्कि खुशियां दें। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, मेरी वजह से कोई उदास परेशान मायूस तो नहीं है, मेरी वजह से कोई रोता तो नहीं है, मेरी वजह से कोई उदास तो नहीं है, मेरी वजह से किसी के दिल पर चोट तो नहीं लगी, मेरी वजह से कोई जो है टेंशन में तो नहीं रहता। हमारी दो आंखें हैं, हमारे ऊपर 200 आंखें लगी होती हैं। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो बल्कि हम ऐसे हो जाएं कि दूसरों की तकलीफें कम कर दें, हम ऐसे हो जाएं कि किसी को आंसू देने के बजाय किसी के आंसू पहुंच दें, हम ऐसे होने चाहिए कि यीशु ने फरमाया जिसके पास दो हो वो एक दे दे, ये ना कि वो भी कार सड़ता रहे। अब किसी के घर में आप एक नॉर्मली किसी के कार को 6-7 पंखे हैं, उन्हें चलाना भले एक ही हो, 6-7 सड़ते रहें, आका के सड़ लें, गली में देख लो किसी की फोदगी हो जाए तो उधर इन्हें को पंखा लाए और पाई वो नहीं दे दो, दिल कर पंखे तो मना कर दें, सड़ जाएगा, ऐ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंदा सड़े ना सड़े पंखा सड़ जाना, अंदरों भले सड़ते रहो। तो भाई ये छोटी नॉर्मली चीज़ें हैं, खुदा आपको बड़ी चीज़ें देना चाहता है। हम इन्हीं चीज़ों को छुपा के डरा के रख के इन्हीं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई तो इतने कंजूस मैंने देखे हैं, वो माचिस मंगन जाओ पैन है ऐसी माचिस हो नहीं खत्म हो गई, तो 4 तीलियाँ दे लगे तीलियाँ देने दे, भाई 2 लै जा। ओ भाई ये सारी चीज़ें फानी है, फना हो जानी है, ये ज़िंदगी भी फानी है। आप किसी को कुछ देना शुरू कर दीजिए, आज से ऐद करें कि मैं भलाई करूंगा, भलाई करूंगी। बहुत सारे हैं जो किराए पे रहते हैं, बेचारे किराए नहीं दे सकते, क्रिसमस आता है बच्चे कपड़े नहीं ले सकते, बहुत सारी फैमिली है जिन्हें का क्रिसमस पे भी दाल पाती है, कितने सारे लोग हैं जो ईस्टर पर भी कपड़े नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं परेशान हैं क्या करें, हालात ठीक नहीं है, उन तो खुदा ने तो नहीं आना, खुदा ने हमें भेजा है। ठीक है, उसने भेजा है, किसने भेजा है? लश्करों के खुदा ने, और खुदा ने आपको किस मकसद के लिए भेजा है कि दूसरों के लिए क्या करें? चुप करके की करनी है दूसरे ना, की करनी है भलाई करनी है कि लड़ाई करनी है? भलाई करनी है, औरों के लिए फायदा करना है। पॉल कहता है मैं चाहता हूँ कि औरों के लिए फायदा कर जाऊँ, ना कि नुकसान करूँ, बल्कि तुम्हारा किसी ना किसी जरिए फायदा हो। अगर आप किसी के लिए फायदा करते हैं तो लश्करों का खुदा आपका बहुत फायदा करेगा। आप किसी के लिए नेकी करते हैं, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करते तो आपके लिए भी कुछ नहीं होगा। आज से जिंदगी में अहद करें कि खुदा मैं जब तक रूहे जमीन पर जिंदा रहूंगा रहूंगी, मैं औरों के लिए फायदा और बरकत का सबब बनूंगा, मैं तरक्की का सबब बनूंगा। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे खुदा भी आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा। खुदा हम इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। आइए अपने